नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। बिहार में राजद की तरफ से ये कवायद तेल हो चली है कि आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव के साथ कौन कौन से लोग आएंगे। आपको बता दें, बिहार में जिस प्रकार की राजनीति चल रही है उसमें अगर देखा जाए तो चिराग पासवान एक ऐसे नेता उभर कर सामने आ रहे हैं जो नीतीश कुमार को सबसे बैकफुट पर धकेलने के लिए तैयार है। आपको बता दें, लगातार चिराग पासवान मोर्चा खोले हुए नीतीश कुमार के खिलाफ, और ऐसी खबरें निकल कर सामने आती हैं कि चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ निश्चय योजना 1 या 2 हो, सभी पर हमला कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बिहार में 7 निश्चय योजना लॉन्च किया, उसके बाद से ही चिराग पासवान उन पर लगातार हमलावर हैं। उसके बाद चिराग पासवान की पार्टी लोजपा में टूट हुई और पार्टी 2 खेमे में बट गई। खबर यह भी है कि चिराग पासवान राजद के साथ जा सकते हैं, यानी महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। अब इस खबर की पुष्टि कब तक हो पाती है ये देखने वाली बात है। लेकिन बिहार की राजनीति सबसे बड़ी अभी खबर आ रही है, आपको बता दें, लालू प्रसाद यादव को लेकर। लालू प्रसाद यादव दिल्ली में है, लगातार बीमार चल रहे थे और डॉक्टर्स की देख रेख में वो अब धीरे धीरे स्वस्थ होते जा रहे हैं। आज उनकी मुलाकात शरद यादव से हुई है। मुलाकात होने के बाद जब वो बाहर निकले तो मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने तमाम खबरों पर मुहर लगा दी जो बिहार में चल रही थी। तीसरे मोर्चे की कवायद की जो खबरें चल रही थी उस पर भी उन्होंने कहा कि तीसरा मोर्चा बने, अच्छी बात है। साथ ही तेजस्वी यादव के बारे में उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि तेजस्वी ने जिस प्रकार से बिहार में लड़ाइयाँ लड़ी हैं वो काबिले तारीफ है, और बिहार में हमारी सरकार बन रही थी लेकिन ये लोग पिछले दरवाजे से आकर हमारी सरकार को रोक दिए, हमारी सरकार नहीं बनने दी। कहीं ना कहीं उन्होंने चुनाव में जिस प्रकार की धांधली का आरोप राजद लगाती है उस बात का जिक्र लालू प्रसाद यादव ने भी कर दिया। वहीं अगर चिराग के मुद्दे की बात करें तो उनसे पूछा गया कि चिराग पासवान युवा है और तेजस्वी यादव भी युवा हैं, क्या साथ आना चाहिए, तो इस मुद्दे पर उन्होंने खुलकर बोला है और कहा है कि चिराग पासवान युवा हैं, चिराग पासवान की पार्टी के साथ जो हुआ इसमें चिराग पासवान नेता बन गए और कोई पार्टी लेकर चली जाए इससे मतलब नहीं है, चिराग पासवान ही लोजपा का असली नेता है। साथ ही लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी के साथ जाने की बातों को लेकर कहा कि आएंगे तो स्वागत है और हम लोग चाहते हैं कि दो युवा साथ आए, बिहार की तरक्की मांग ले गए। आपको बता दें, लालू प्रसाद यादव की तरफ से अब कहीं ना कहीं ग्रीन सिग्नल दिखाई दे रहा है, हरी झंडी चिराग पासवान को मिल गया है जिसका इंतजार चिराग पासवान को था। अब देखना यह होगा कि बिहार की राजनीति में आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के द्वारा तो हरी झंडी दे दिया गया है। अब चिराग पासवान इस निर्णय पर क्या कुछ फैसला लेते हैं ये आने वाले दिनों में तय हो पाएगा। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ओ ये एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।